दो साल पहले बस दुर्घटना में उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। उसका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई भी नहीं था। रश्मि को पढ़ने का बहुत शौक था। उसके पिता उसे कलेक्टर बनाना चाहते थे। उन्होंने रश्मि की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर उनकी अचानक हुई मौत से जैसे रश्मि के सारे सपने बिखरने लगे। घर में जो कुछ भी जमा पूंजी बची थी उससे रश्मि ने किसी तरह अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उसके मन में अभी भी कलेक्टर बनने का सपना फल फूल रहा था, मगर पैसे की समस्या मुंह बाए खड़ी थी। पर रश्मि ने भी हार नहीं मानी। अपनी कलेक्टर की पढ़ाई जारी रखने के लिए उसने एक घर में खाना बनाने और बर्तन मांजने की नौकरी कर ली। जब उसके दोस्तों ने कहा, अरे रश्मि, तू पढ़ी लिखी ग्रेजुएट होकर अब बर्तन मांजने और खाने बनाने का काम करेगी? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और फिर ये काम मैं अपना जीवन गुजारने के लिए नहीं बल्कि अपने सपने को पूरा करने के लिए कर रही हूं। फिर रश्मि ने काम शुरू कर दिया। दिन भर वो जीतोड़ मेहनत करती और शाम को घर आकर पढ़ाई करती। जहां वो काम करने जाती थी वहां से उसका घर करीब 5 मील पर था। तेज चलने पर भी 9 बजे रात से पहले घर नहीं पहुंच पाती थी। रात को लालटेन के सामने थकी हारी पढ़ने बैठती और ना जाने कब सो जाती, उसे पता ही नहीं चलता। उस पर इतना जीतोड़ काम करने के बाद भी उसकी कमाई इतनी नहीं हो पाती थी कि वो तैयारी के लिए सारी किताबें खरीद पाती। कोचिंग करना तो दूर की बात थी, फिर भी रश्मि हिम्मत नहीं हार रही थी। जिस घर में रश्मि काम करती थी उस घर का बेटा अमित भी यूपीएससी की तैयारी करता था। एक दिन काम करते हुए रश्मि ने अपनी मालकिन से पूछा, माँ जी, क्या अमित भैया भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, पर तुझे उससे क्या, तू अपना काम कर। बड़ी आई इंक्वायरी करने वाली की कौन क्या पढ़ रहा है। मालकिन की बातें सुन रश्मि ने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और घर जाने को तैयार हुई। तब मालकिन ने कहा, कल जरा जल्दी आना, कुछ मेहमान आने वाले हैं घर पर, उनका खाना बनाना है। तेरे जो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे मैं दे दूंगी। माँ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर अमित भैया की पुरानी यूपीएससी की किताबें मुझे मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तभी अमित वहां आ जाता है। रश्मि की आखिरी बात उसके कानों में पड़ जाती है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अच्छा तो तू कलेक्टर बनेगी है? अरे औकात में रह अपनी, तुझे पता भी है कि यूपीएससी क्या चीज है? अच्छे अच्छे को नानी याद आ जाती, नानी। तेरे जैसे लोग कलेक्टर बनने लगे तो हो गया देश का उद्धार। अमित की बात पर उसकी माँ भी जोर से हंस पड़ी। रश्मि दुखी मन से वहां से निकल पड़ी। इस बात ने उसे थोड़ा दुखी तो किया, मगर उसके हौसले को तोड़ नहीं पाई। चाहे कितना भी मजाक उड़ा ले मेरा, मैं तो अपने सपने को पूरा करके ही दम लूंगी। आज से मैं 10-10 घंटे पढ़ूंगी। अब चैन से उसी दिन सोऊंगी जब मेरा सपना पूरा हो जाए, और अगर मैं इस सपने को पूरा करने के लिए मर भी गई तो वही सही। रश्मि ने ठान तो लिया, मगर किताबों की समस्या अभी भी हल नहीं हुई थी। अगले दिन वो फिर काम पर गई। वहां उसने सारे मेहमानों का खाना बनाया और जब सब मेहमान खा पी कर चले गए तब वो मालकिन के पास गई और बोली, माँ जी, सारा काम हो गया। आपने कहा था कि आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे देंगी, अगर कुछ पैसे मिल जाएं तो मैं उनसे किताब खरीद लूंगी। मालकिन का सारा काम तो हो गया था, इसलिए उसके मन में कुटिलता पनप गई। उसने कहा, अरे तुझे किताबें ही चाहिए ना, तू अमित की किताबें लेती जा और उन्हें पढ़कर वापस कर देना। रश्मि को यही तो चाहिए था, उसने तुरंत हामी भर दी। फिर उसकी मालकिन ने अपने बेटे अमित को बुलाया और कहा, बेटे इसे अपनी कुछ किताबें दे दे, ये 2-3 दिनों में उसे पढ़कर वापस कर देगी। माँ के कहने पर अमित ने अपनी कुछ किताबें लाकर रश्मि को दे दी। इसके बाद तो जैसे ये सिलसिला ही चल पड़ा। मालकिन रश्मि से मनचाहे काम करवाती और बदले में उसे कुछ किताबें पढ़ने को मिल जाया करती थी। मालकिन को इसमें अपना फायदा नजर आता था। उधर किताबें मिलने से रश्मि में एक नया जोश भर गया। अब वो दुगने उत्साह से अपनी तैयारी करने लगी। अमित की वो किताबें जो अलमारी में रखी धूल खा रही थी उनके भी भाग्य जाग गए। एक दिन मालकिन ने काम करती हुई रश्मि से पूछा, क्यों रश्मि, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, अब तो तुझे किताबें भी मिल रही हैं। रश्मि कुछ बोलती इससे पहले ही वहां अमित आ गया और बोला, अरे इसकी पढ़ाई कैसी चल रही होगी, सारा दिन तो ये यहां रहती है, पढ़ाई क्या खाक करेगी। क्यों रश्मि,
तुझे पता भी है कि इस परीक्षा में कितने पेपर होते हैं? हाँ भैया, मुझे पता है कि इसमें कितने पेपर होते हैं। मेरी तैयारी दोनों पेपरों के लिए पूरी है। अच्छा, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? अमित की हवा निकल गई, उसे इस सवाल का जवाब नहीं पता था। क्या हुआ भैया, ये तो बहुत मामूली सा सवाल है, आपको इसका जवाब नहीं पता क्या? अमित कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। आज रश्मि ने अपनी सारी बेइज्जतियों का जवाब एक झटके में दे दिया था। रश्मि पूरी लगन से अपनी तैयारी करती रही। उसने पूरी परीक्षा का सिलेबस परीक्षा से 2 महीने पहले ही खत्म कर दिया। निश्चित समय पर परीक्षाएं हुई और रश्मि ने आसानी से प्री एग्जाम निकाल लिया। उधर अमित अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी इसमें सफल नहीं हो पाया। रश्मि ने प्री की अपनी सफलता की बात किसी को नहीं बताई। जब तक मैं इंटरव्यू नहीं पहुंच जाती तब तक किसी को ये सब बताना ठीक नहीं है। इस तरह लगातार परिश्रम करते करते रश्मि ने मेंस की परीक्षा भी पास कर ली। अब सिर्फ इंटरव्यू देना बाकी रह गया था। इंटरव्यू से एक दिन पहले, देख रश्मि, कल अमित का जन्मदिन है, काफी सारे मेहमान आने वाले हैं, तू जरा जल्दी आ जाना। लेकिन माँ जी, कल तो मेरा आना मुश्किल है, कल मेरी आखिरी परीक्षा है। हाँ, बढ़िया ही परीक्षा देने वाली, जितना बोला उतना कर। अगर कल तू नहीं आई तो फिर तुझे दोबारा यहां घुसने नहीं दूंगी। रश्मि ने मालकिन की बात नहीं मानी और निश्चित समय पर इंटरव्यू देने गई। मालकिन ने उसी दिन दूसरी नौकरानी रख ली। आने दो उस नवाबजादी को पगार मांगने, ऐसी खरी खोटी सुनाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। मगर रश्मि उस दिन के बाद फिर कभी उस घर में नहीं गई। ईश्वर ने उसके भाग्य में कुछ और ही लिख रखा था। इधर मालकिन उसे खरी खोटी सुनाने का इंतजार करती रही, उधर यूपीएससी की परीक्षा का परिणाम आ गया। रश्मि ने 67वें रैंक के साथ न सिर्फ ये परीक्षा पास की थी बल्कि टॉप 100 में भी आई थी। शहर के सारे अखबार उसकी कामयाबी के किस्सों से भरे थे। अमित और उसकी मां ने जब अखबार के पहले पन्ने पर रश्मि का नाम और उसकी प्रशंसा देखी तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। कल तक उनके घर में काम करने वाली ने आज अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल किया था कि अमित और उसकी माँ जैसे लोग उसके आसपास भी नहीं फटक सकते थे। उधर रश्मि आज बहुत खुश थी। आज उसकी सफलता ने न सिर्फ उसका और उसके पिता का सपना पूरा किया था बल्कि अमित और उसकी माँ जैसे लोगों के मुंह पर ताले भी लगा दिए थे, जो किसी की हैसियत देखकर उनके दिमाग का अंदाजा लगाते हैं। ये कहानी है दीपलाल की। 3 साल पहले वो अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर शहर आ गया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला और 6 साल की बेटी मीना थी। दीपलाल एक ठेकेदार के नीचे काम करता था और बस स्टैंड के पास ठंडे पानी का ठेला लगाया करता था। ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी, गर्मी को दूर भगा लो, ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझा लो, 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, सिर्फ 2 रुपए। चिलचिलाती गर्मी है, सड़कें लगभग सुनसान हैं, इक्का तुक्का लोग ही आ जा रहे हैं। एक दो ग्राहक भी उसकी दुकान में पानी पीने आते हैं और पानी पीकर चले जाते हैं, लेकिन दीपलाल अपनी आवाज लगाना नहीं छोड़ता। थोड़ी देर में एक हाथ रिक्शे वाला जिसका नाम जगन है वो उसके पास आता है और अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, अरे दीपलाल, फटाफट ठंडा पानी पिला दे यार भाई। ये ले जगन, ये ले। काम बहुत मंदा है दीपलाल, इस कोरोना बीमारी के कारण लोग बहुत कम नजर आ रहे हैं भाई। बहुत बुरा हाल है जगन भैया, सुबह से मात्र 20 रुपए कमाए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे में घर कैसे चलेगा। सुनना, कुछ पैसे उधार देना यार, अगले महीने लौटा दूंगा। अरे सबका बुरा हाल है दीपलाल, मेरे पास ये देख, मात्र 50 रुपए है, इसी में दाल और चावल खरीद कर ले जाना है। मैं तो सुन रहा हूँ कि फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। अरे सुब सुब बोल यार, ऐसा हुआ तो सड़क पर आ जाएगा मेरा पूरा परिवार। तभी एक ग्राहक उसकी दुकान पर आया। वो मोबाइल से बातें करते हुए दीपलाल से पानी मांगता है और वो फोन पर बातें करने लगता है। अरे तुम भी कमाल करती हो, टीवी नहीं देखा क्या, 2 दिन बाद फिर से लॉकडाउन लग जाएगा,
तुम सारे जरूरी सामान की लिस्ट भेज दो, मैं शाम को सब लेता आऊंगा। दीपलाल ने जैसे ही ग्राहक के मुंह से लॉकडाउन की बात सुनी, उसका कलेजा मुंह को आ गया। ना तो घर में 2 दिन से अधिक का राशन था और ना ही इतने पैसे थे कि वो कुछ दिनों का राशन खरीद ले। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी से ये बात बताई। लॉकडाउन की बात सुनकर उसका चेहरा भी उतर गया। हे भगवान, फिर से लॉकडाउन, अब क्या करेंगे हम लोग? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कमला। हम गरीबों की भगवान वैसे ही हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं। इस बीमारी ने तो लगता है हम गरीबों को भूखे मारने का सोच लिया है। रात को सोते वक्त दीपलाल फिर से अपनी पत्नी से बातें करता है। कमला, घर में खाने की चीजें लगभग खत्म हो गई हैं। लॉकडाउन के बाद तो काम भी ठप ही हो जाएगा। मैं सोचता हूँ हम सब गांव लौट चलते हैं। कम से कम वहाँ रिश्तेदार हैं, अपने जानने वाले लोग हैं, वो कुछ ना कुछ मदद तो करेंगे ही। और वैसे भी यहाँ भूखे मरने से अच्छा है कि अपने गांव में अपनों के बीच जाकर रहें। और अगर किस्मत में मौत ही लिखी होगी तो अपनों के बीच अपनी मिट्टी में जाकर मरेंगे। लेकिन जाएंगे कैसे? अपना गांव तो यहाँ है नहीं, पूरे 1,500 किलोमीटर दूर है। टिकट के पैसे भी तो नहीं है अपने पास। अरे तू उसकी फिक्र मत कर, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ। दीपलाल अगले दिन ठेकेदार के पास गया, उसका पानी का ठेला उसे वापस किया और 15 दिन जो उसने काम किया था उसके पैसे मांगे। उसके 900 रुपए बनते थे लेकिन ठेकेदार ने उसे 300 रुपए ही दिए। जब दीपलाल ने उसका कारण पूछा तो उसने बोला, अभी बहुत मंदी है। दीपलाल को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो अपनी मेहनत की कमाई मांगने गया था, कोई भीख तो नहीं मांग रहा था ठेकेदार से। वो चुपचाप अपने घर लौटने लगा। ये बड़े लोग बहुत बेईमान होते हैं, हमारी मेहनत का पैसा रख लेते हैं, लेकिन अफसोस भगवान इन्हें ही अमीर बनाता है। कभी कभी तो लगता है कि भगवान सिर्फ अमीरों के लिए है, हम गरीबों के लिए नहीं। दीपलाल अपने में ही खोया चला जा रहा था। उसके घर के रास्ते में ही रेलवे स्टेशन आता था। अचानक रेलवे स्टेशन के बाहर उसकी नजर गई। वहाँ हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दी, किसी ने हाथों में बक्सा तो किसी ने सिर पर पोटली रख रखी थी। उनमें से कई लोगों को वो जानता था, वो उसकी तरह ही प्रवासी मजदूर थे जो अपने अपने गांव से इस शहर में कमाने के लिए आए थे, लेकिन अब लॉकडाउन के डर से अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी उस भीड़ में उसे जगन अपनी बीवी के साथ दिखाई दिया। दीपलाल भाई, बहुत भीड़ है यहाँ, पिछले 7 घंटे से टिकट के लिए खड़ा हूँ, लेकिन ना तो लाइन बढ़ती है और ना ही ये भीड़ कम होती है, लेकिन घर तो जाना ही है भैया, यहाँ रहकर क्या करेंगे भाई बताओ। हजारों की भीड़ और जगन की बात सुनकर दीपलाल ने मन ही मन एक फैसला लिया। सबसे पहले तो उसने बिस्किट के 15 पैकेट खरीदे, थोड़ा चूरा खरीदा और घर पहुंचा। वो जैसे ही घर में उसने प्रवेश किया, उसकी बेटी मीना उसके गले से लिपट गई। बाबा आ गए, पापा आ गए। फिर उसकी नजर बहुत सारे बिस्किट के पैकेट पर पड़ी, वो और भी खुश हो गई। बाबा, इतने सारे बिस्किट, सारे मेरे लिए हैं क्या? हाँ, लेकिन इसे अभी नहीं खाना है, इसे रास्ते में खाना है, हम लोग गांव जा रहे हैं। गांव? हाँ बाबा चलिए ना, गांव मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ये कही रहा था कि उसकी पत्नी कमला आ गई। पैसों का इंतजाम हो गया जी, टिकट मिल जाएगा क्या? कमला, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यहाँ तक कि सड़कों पर हजारों की भीड़ खड़ी है जो हर पल बढ़ती ही जा रही है। सभी अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, ऐसे में हम भी वहाँ गए तो न जाने कितने घंटे हमें वहाँ इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर कैसे जाएंगे? तब दीपलाल ने अपने घर में लगी साइकिल की ओर इशारा किया। मीना साइकिल के आगे वाली सीट पर बैठी और कमला पीछे। जो भी थोड़ा मोड़ा सामान था कमला ने उसे पोटली में बांध कर रख लिया। दीपलाल साइकिल से ही अपने गांव की ओर चल पड़ा। कड़ी धूप में दीपलाल साइकिल चलाए जा रहा था, पसीने से उसका शरीर तरबतर हो गया था, पांव दुख रहे थे, लेकिन उसे तो अपने गांव जाना था। रास्ते में मीना और कमला दोनों को जोरों की भूख लगी तो दीपलाल ने साइकिल को एक पेड़ के नीचे खड़ा किया। सबसे पहले तो सबने साथ लाए बोतल से पानी पिया, फिर थोड़ा चूरा खाया। मीना बिस्किट खाते खाते पूछ रही थी, बाबा हम कितनी देर में अपने गांव पहुंच जाएंगे? मुझे ना बहुत धूप लग रही है।
उसकी बात सुनकर कमला ने पोटली से एक साड़ी निकाली और उसे तीन टुकड़ों में फाड़ा, एक मीना के सिर पर, एक दीपलाल के सिर पर और एक से खुद का सिर ढक लिया। दीपलाल एक बार फिर से अपने परिवार को लेकर निकल पड़ा। रात को सड़क किनारे ही वे सो जाते। सुबह दीपलाल फिर से निकल पड़ता। रास्ते में कहीं नल दिखता तो पानी की बोतल भर लेता, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी और तीनों को प्यास भी खूब लग रही थी। तीन दिन बीत गए। दीपलाल लगातार साइकिल चला रहा था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, ईश्वर कुछ कर नहीं सकता तो कम से कम धूप तो कम कर दे, देख नहीं रहा कितनी गर्मी है, हमें गांव पहुंचना है ईश्वर, थोड़ी तो दया दिखा। गर्मी के कारण उसका सिर भी चकरा रहा था, लेकिन वो किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहता था। इस बीच साथ लाए सारे खाने पीने की चीजें खत्म हो गई। मीना बार बार भूख भूख कह रही थी, लेकिन रास्ते में ना तो कहीं कोई दुकान खुली थी और ना ही जेब में पैसे थे जिससे वो कुछ खरीद पाता। रास्ते में पानी की बोतल भरता और वही खुद भी पीता और मीना को पिलाता। काश पानी से लोगों की भूख मिट जाती तो लोगों की बहुत बड़ी समस्या हल हो जाती। इस बीच चौथे दिन रास्ते में उसे पुलिस वालों की गाड़ी लगी दिखी। एक पुलिस वाले ने उसे रोका और डांटते हुए कहा, अरे अरे कहाँ चल दिया इस तरह, तुझे पता नहीं लॉकडाउन लगा है? अपने गांव जा रहा हूँ साहब। गांव? कहाँ है तेरा गांव? अभयपुर है साहब। मजाक करता है तू हमसे? अभयपुर यहाँ है? अरे यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है अभयपुर। साहब बस ट्रेन सभी जगह बहुत भीड़ है, पैसे भी जेब में ना के बराबर है, तो क्या करता साहब, इसलिए साइकिल से ही अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ा। पुलिस वाले को उसकी बात पर अब भी विश्वास नहीं हुआ और उसने गुस्से में आकर उसे एक डंडा मार दिया। वो दूसरा डंडा मारने वाला था कि उसने देखा कि कोई उसके पैर पकड़कर बैठा है। वो मीना थी। साहब मेरे पापा को मत मारिए ना, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम अपने गांव ही जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों से वो लगातार साइकिल चला रहे हैं, वो बहुत थक गए हैं, भगवान के लिए उन्हें मत मारिए ना। ये कहकर मीना बेहोश हो गई। लगातार भूखे रहने और गर्मी के कारण उसका ये हाल हुआ था। पुलिस वाले को मीना की यह हालत देखकर उस पर दया आ गई। पहले तो पानी के छींटे से उसे जगाया, फिर पूरे परिवार को पुलिस वालों ने भरपेट खाना खिलाया। साहब आप लोगों का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा, भूखे को खाना खिलाने से बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है साहब, लेकिन अब हमें इजाजत दीजिए, हमें अपने गांव पहुंचना है। जरूर इजाजत देंगे, लेकिन अब तुम लोग साइकिल से अपने गांव नहीं जाओगे, हमारे साहब ने तुम लोगों के लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी है, तुम लोग उसी से जाओगे, ठीक है? ये सुनकर दीपलाल और कमला फूट फूट कर रोने लगे। मीना की भी आंखों में आंसू थे। अगले दिन वे अपने गांव पहुंच गए। गांव के पेड़, वहां की मिट्टी, वहां की हवा, सबने उनका स्वागत ऐसे किया जैसे कोई बिछड़ा हुआ फिर से वापस लौट आया हो। दीपलाल ने अब कभी भी गांव से बाहर ना जाने का सोचा, वो वहीं सब्जियां उगाने लगा। कमला भी उसकी मदद करती। वे सभी अपने गांव वापस आकर बहुत खुश थे।